दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है और फ्रेम रेट को बढ़ाने या घटाने, फॉर एग्जांपल 1 FPS, 7 FPS या 15 FPS रखने पर हमारे वीडियो क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है और इससे हमारे स्टोरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए इस चैनल पर टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर ये वीडियोज़ आप तक प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज कन्वे कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, इससे हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में हमें सब कुछ मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है, बट ये मूवमेंट हमारी आंखों का भ्रम है। टेक्निकली देखा जाए तो वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग एक सिक्वेंस में लगे होते हैं, यानी इंसिडेंट 1 के बाद इंसिडेंट 2 की इमेज, उसके बाद 3 की इमेज, उसके बाद 4 की इमेज, ये सारे एक सिक्वेंस में लगे होते हैं और ये हमारी आंखों के सामने एक गिवन टाइम इंटरवल में बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारी आंखों से इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि हमारी आंखों को ये लगता है कि सामने कोई मूवमेंट हो रहा है। बट टेक्निकली वहाँ देखा जाए तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो हमारे सामने कई नंबर ऑफ इमेजेस में सैकड़ों इमेजेस हमारी आंखों के सामने 1 by 1 गुजरते रहते हैं और हमें वो मूवमेंट करती हुई चीज़ें समझ में आती है। ये जो इमेज है, सिंगल इमेज जो बन रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। उसकी एक इमेज एक फ्रेम होता है। और अगर फ्रेम रेट की बात की जाए तो एक सेकंड में, यानी ये जो टाइम इंटरवल दिया गया एक सेकंड में हमारी आंखों के सामने जितनी इमेजेस गुजरती हैं उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेम रेट। अगर हम बात करें 1 FPS की बात, तो 1 FPS का मतलब है कि एक फ्रेम यानी एक इमेज एक सेकंड में हमारी आंखों के सामने से गुजरता है। अगर 7 FPS की बात करें, 7 FPS यानी कि 7 इमेजेस एक सेकंड के अंदर हमारी आंखों के सामने 1 by 1 इंसिडेंट के अकॉर्डिंग गुजरते हैं। इसी तरह 15 FPS की बात करें तो 15 इमेजेस हमारी आंखों के सामने एक सेकंड के अंदर गुजर जाती हैं। 30 FPS की बात करें तो एक सेकंड में हमारे आंखों के सामने 30 इमेजेस गुजर जाती हैं और ये सब कुछ हमें लगता है कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों अलग अलग फ्रेम रेट से वीडियो क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। बाकी मैं उसके बाद उस पर डिस्कस करता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे एक कैमरे के सेम सिनेरियो पे अलग अलग फ्रेम रेट पे क्या वीडियो क्वालिटी है, क्या इन्फ्रा इफेक्ट है, क्या कंपैरिजन है, मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो 1 FPS है, दूसरा 5 FPS है, तीसरा 7.5 FPS है, चौथा आपका 15 FPS है, पांचवा आपका 30 FPS है। तो आप इसमें जब मूवमेंट जो हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब टेबल से कैमरे की तरफ बढ़ रहा है, तो 1 FPS में आप देखेंगे देख रहे हैं कि इसमें एक ही इमेज कैप्चर किया है, जिससे वीडियो में आप देख रहे हैं जंपिंग हो रही है, स्मूथनेस नहीं है। क्या वहाँ टेबल के पास से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कैमरे तक आ गया, तो वो ए से पॉइंट बी पे तुरंत आ गया, उसमें बीच में कोई इसका बीच का मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह 5 FPS में देखें तो इसने क्या किया है कि कैमरे ने 5 इमेजेस लिए हैं, तो हमें एक डिटेल ज़्यादा है और इसमें स्मूथनेस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 1 FPS। जो जंपिंग है इसमें 1 FPS के कंपेरिजन में बहुत कम है और इसमें डिटेल्स ज़्यादा हैं। अगर 5 FPS की हम बात कर रहे हैं तो कैमरे ने किया है एक सेकेंड को 5 भागों में डिवाइड करके उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे एक एक इमेजेस इसने कैप्चर कर लिए, इसलिए हमें स्मूथनेस इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी तरह 7.5 FPS और 15 FPS की बात करें तो 15 FPS में कैमरे ने एक सेकेंड को 15 भागों में डिवाइड कर दिया है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने एक एक इमेजेस कैप्चर की है, तो इसमें क्या है डिटेल्स आपके पास ज़्यादा है। 30 FPS में जस्ट 15 FPS के जस्ट डबल इसमें डिटेल्स है, तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स रहेंगी इमेज उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी, उसमें स्टकनेस उतना ही कम होता जाएगा और इमेज आपकी ज़्यादा क्लियर दिखेगा, उसके मूवमेंट आप ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इंफॉर्मेशन मूवमेंट कैप्चरिंग का, एक एक सीन हर एक मूवमेंट का कैप्चरिंग जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस साइट पे या जिस तरह के डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, वहाँ पे जो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा FPS वाले कैमरे वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। और नॉर्मली जो हम मार्केट में जो DVRs आते हैं, आपको वो जनरली 15-12 FPS पे ही वो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि 15 और 30 FPS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 15 FPS
सफिशियंट होता है। लाइव व्यूविंग, जस्ट लाइक लाइव व्यूविंग आपको दिखाई देगा 30 FPS में, टेक्निकली देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हमारी आइज़ के लिए 15-30 FPS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो ये इनफ है। बट अगर हम जितने ज़्यादा FPS बढ़ाते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी फाइल साइज बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम अगर फॉर एग्जांपल मान ये हम लोग सपोज करें कि उसका जो एक फ्रेम है 1 MB का है, तो 5 FPS का जो कैमरा होगा वो एक सेकेंड में 5 MB की फाइल लेगा, स्पेस लेगा, स्टोरेज लेगा। इसी तरह 15 FPS वाला जो है एक सेकेंड में अगर 15 इमेज ले रहा है, यानी कि 15 MB की साइज फाइल साइज उसकी एक सेकंड में बनेगी। तो मीन्स जितने ज़्यादा फ्रेम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो फाइल साइज है वो बढ़ती जाएगी, और उसको ज़्यादा इतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज उसको देने पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों जो नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे 700-800+ कैमरेज लगते हैं, 1000+ कैमरे लगते हैं, वहाँ पे जनरली 12 या 15 FPS पे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर एरिया नॉर्मली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा FPS बढ़ा देंगे तो उसके हिसाब से स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़े प्रोजेक्ट में स्टोरेज की कॉस्ट भी अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी क्लोज दिस सेशन। आई होप मैंने आपको टेक्निकली ये अच्छे से डिलीवर किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।